हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं प्रवीण लठवाल एक्सपेरिमेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीपी, ब्लड प्रेशर। तो आज हम इसी के बारे में आपको डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बीपी होता क्या है। बीपी जब हार्ट ब्लड के अंदर ब्लड को पंप करता है और जो प्रेशर डलता है वेसल्स के ऊपर, उसको हम बीपी बोलते हैं। तो हार्ट का जो फंक्शन होता है वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करना होता है और ब्लड को सर्कुलेट करना होता है। बीपी दो प्रकार के होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या होता है? जब हार्ट पंप करता है, प्रेशर डालता है, तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, यानी कि ऊपर का ब्लड प्रेशर। और जब हार्ट रिलैक्स वाली पोजिशन में आता है तो उसको बोलते हैं हम डायस्टोलिक, यानी कि नीचे वाला बीपी। तो सबसे पहले हम आपको बीपी करके दिखाते हैं, आखिर बीपी करते कैसे हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बीपी करना सिखाता हूं जी। बीपी एक्चुअली करते कैसे हैं, मेथड क्या है बीपी करने का। सबसे पहले क्या करना है आपने कि पेशेंट को आपने 5 मिनट के लिए बेड पे लेटा देना है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने लेफ्ट आर्म पे आपने बीपी करना है। अभी हम आपको बताते हैं जी बीपी का सही मेथड क्या है। अगर आप बीपी चेयर पे करते हो तो 5 मिनट रेस्ट करके, और बीपी की जो मशीन है वो हार्ट के बिल्कुल लेवल में होनी चाहिए। ये हमने इसको फोर आर्म पे ऐसे डाल के सामने इसको आपने, ये बिल्कुल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसको आपने टाइट कर देना है और ऐसे रख के यहाँ आपने बटन दबाना है। हमने लेफ्ट आर्म से बीपी किया था, 165 इसका रिजल्ट आया है। अभी हम राइट साइड से भी करके देखते हैं, अगर इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं तो इसका मतलब पेशेंट को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर छोटा मोटा कोई डिफरेंस आता है 2-4 पॉइंट का, यानी कि बीपी आपका, मशीन भी ठीक है और बीपी भी आपका सही है। तो हम अभी राइट से करके देखते हैं। ये हमने राइट साइड में बीपी लगा दिया है, अभी हम इसको ऑन कर देते हैं। देखो बहुत कम डिफरेंसेस है राइट और लेफ्ट में, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं तो इसका मतलब पेशेंट का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि बीपी अभी सही है। बीपी की जो नॉर्मल रेंज है, वैसे तो अकॉर्डिंग WHO ऊपर वाला 120, नीचे वाला 80 होना जरूरी है, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बताता हूँ कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एज में बीपी ऊपर वाला 140 और नीचे वाला 90, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये कोई भी एज है। और जिस जो पेशेंट 60 साल से ऊपर हैं
उनका 140, 145 और नीचे वाला 90 नॉर्मल होता है। अभी हमने बीपी किया है, ये एक डिजिटल बीपी का मीटर था। तो अगर आप अच्छे ब्रांड का बीपी अपरेटस लेते हैं तो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। 100% एक्यूरेट तो जो मरकरी वाला होता है मैनुअल वही होता है, लेकिन अगर ब्रांडेड लेते हैं तो उसके भी एक्यूरेट रिजल्ट होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ जी बीपी की नॉर्मल रेंज क्या होती है। WHO के अकॉर्डिंग बीपी की जो नॉर्मल रेंज है, ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 80। अगर किसी का बीपी ऊपर वाला 130 चला जाता है, नीचे वाला 80 है, इसका मतलब है कि प्राइमरी इंडिकेशन है कि आपका बीपी बढ़ सकता है। ये जो नॉर्मल रेंज है 60 साल से नीचे वालों के लिए है, ध्यान से सुनना, ये जो नॉर्मल रेंज है ये 60 साल से नीचे वाले पेशेंट के लिए है, ठीक है जी। अगर किसी का बीपी ऊपर वाला 140 और नीचे वाला 90, ध्यान से सुनना, ऊपर वाला 140 और नीचे वाला 90 अगर किसी पेशेंट की ये रीडिंग आती है, इट मीन्स कि बीपी उसका हाई है, आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर किसी का बीपी ऊपर वाला 180 और नीचे वाला 110 है, तो इस सिचुएशन में आपने तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या फिर किसी भी इमरजेंसी में आपको तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ जी बीपी आखिर बढ़ता क्यों है, बीपी आखिर बढ़ता क्यों है। नंबर एक हाइपरटेंशन, नंबर दो इन्वायरमेंट चेंज, आप इस कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, डाइटरी हैबिट, खाना खाने की जो हैबिट्स होती हैं और जो ज़्यादा साल्ट यूज़ करते हैं उसके अंदर भी बीपी बढ़ सकता है, इमोशनल होने से भी बीपी बढ़ जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ जी बीपी हाई होने के सिम्टम्स क्या हैं। टायर्डनेस, इस बात को आप नोट करना, अगर ये तीन सिम्टम्स अगर मैच करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका बीपी हाई हो सकता है, आप तुरंत बीपी चेक कराएं। नंबर एक टायर्डनेस, नंबर दो आपको चक्कर आना, नंबर तीन हेडेक। अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो इट मीन्स आपको बीपी हो सकता है। इसके अलावा नोजिया आपको हो सकता है, ब्लड हो सकता है, नोज ब्लीड हो सकती है, हार्ट पैल्पिलेशन हो सकती है और ब्रीथलेसनेस हो सकती है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ अगर किसी का बीपी बढ़ जाता है तो उसके साइड इफेक्ट क्या है। हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, आइज में प्रॉब्लम आ सकती है, मेमोरी में प्रॉब्लम आ सकती है, थिंक सोचने की अक्षमता कम हो सकती है और याद न आना, भूल जाना, ये इसके सिम्टम्स हैं। अब आपको बताता हूँ जी बीपी के अंदर आखिर प्रिकॉशन क्या करें, क्या प्रिकॉशन करें। नंबर एक आपने अल्कोहल को अवॉइड करना है, साल्ट आपने कम खाना है, सोडियम जिसमें सोडियम होता है वो कम खाना है, स्मोकिंग आपने नहीं करनी है, जो हेल्दी डाइट आपने लेनी है, रेगुलर आपने एक्सरसाइज करनी है, पानी आपने ज़्यादा पीना है, स्ट्रेस आपने कम लेनी है। ये अगर सारी चीज़ें आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका बीपी कम होने में हेल्प मिल जाती है। अब क्वेश्चन उठता है, कई पेशेंट हमसे पूछते हैं जी क्या बीपी का कोई परमानेंट इलाज है। तो नहीं है, बीपी का अभी तक कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है। आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी, चाहे आप आयुर्वेदिक खाओ चाहे आप एलोपैथिक खाओ। हम आपको बताए थे जी एलोपैथिक की जो मेडिसिन होती हैं वो अकॉर्डिंग टू एज होती हैं, मेल फीमेल होती हैं, अकॉर्डिंग टू डिजीज होती हैं, प्रेगनेंसी में अलग मेडिसिन लेते हैं, बच्चों में अलग मेडिसिन लेते हैं। तो बीपी की जो मेडिसिन होती हैं तो आप किसी MD मेडिसिन से ही लें, आप किसी केमिस्ट या किसी भी अनक्वालिफाइड डॉक्टर से आप ये मेडिसिन ना लें। हम आपको बताए तो जी आयुर्वेदिक में
जहाँ तक हमने सुना है एक दालचीनी के नाम से कोई औषधि होती है, कोई मेडिसिन होती है, तो वो आप आयुर्वेदाचार्य से आप कंसल्ट कर सकते हैं, जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर होते हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक देसी ट्रीटमेंट मैं आपको बता देता हूँ बीपी का। अगर किसी का बीपी हाई है तो पेशेंट को उल्टा लेटा के, पेट के बल लेटा के, एक बर्फ का टुकड़ा एक कपड़े में डाल के उसकी पीठ के ऊपर रगड़ने से, जो रीढ़ की हड्डी होती है उस पर रगड़ने से कुछ टाइम के बाद बीपी कम होने लगता है। अस्थमेटिक पेशेंट या फिर किसी को ठंड लगी हुई है वो पेशेंट इसको ना करें। डोज इंस्ट्रक्शन। अब क्या है कि डोज कब लेनी चाहिए कब नहीं लेनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ जी। बिना डॉक्टर की एडवाइस के या फिर अपने आप कोई भी मेडिसिन आपने स्टॉप नहीं करनी है, ना आपने बाउंस करनी है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्वेश्चन उठता है जी, बीपी कब चेक करें? बीपी हमेशा मॉर्निंग के टाइम चेक करना चाहिए, या फिर अगर आपने खाना खा रखे हैं, ले रखे हैं, तो उसके 2 घंटे के बाद आप चेक करो। अगर किसी पेशेंट को रियल में प्रॉब्लम है, किसी पेशेंट का बीपी हाई है, 180 ऊपर वाला नीचे वाला 110 है, तो जब तक वो कंट्रोल में नहीं आ जाता, जब तक आप हर घंटे या फिर हर 2 घंटे में उसको चेक कर सकते हैं। और नॉर्मली जिसको बीपी बिल्कुल भी नहीं है, महीने में कम से कम एक बार बीपी आपको चेक करना चाहिए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ जी, बीपी में क्या चीज़ खाएं। जिसका हाई ब्लड प्रेशर है, मेन बात अभी हम हाई ब्लड प्रेशर पे बात कर रहे हैं, जिसका हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें क्या चीज़ खाएं क्या नहीं खाएं। होल ग्रेन फूड आप खा सकते हो, एप्पल खा सकते हो, नारियल जूस पी सकते हो, हेल्दी फूड खा सकते हो, लो साल्ट फूड आप खा सकते हो, लो फैट लो साल्ट चीज आप खा सकते हो। और क्या चीज नहीं खानी है जिसका ब्लड प्रेशर हाई है? फ्रोजन पिज्जा आपने नहीं खाना है, पिकल आपने नहीं खाना है, टमाटो प्रोडक्ट आपने नहीं खाने हैं, और बनाना को आपने अवॉइड करना है। खासकर खाना खाने के बाद आपने चाय नहीं लेनी है। तो मैं आपको बता, अब हम बात करेंगे, ये तो बात थी हाई बीपी की, हम बात करेंगे लो बीपी में आपने क्या करना चाहिए। अगर आपका बीपी लो है तो आपको थायराइड चेक कराना चाहिए। जो लो बीपी होता है वो डिहाइड्रेशन के कारण भी हो सकता है, अपना थायराइड चेक कराओ। और इसमें प्रिकॉशन क्या होती है, इसमें प्रिकॉशन आपने साल्ट की जो इंटेक है वो ज़्यादा करनी है आपने, पानी ज़्यादा पीना है आपने, अल्कोहल को आपने अवॉइड करना है। और आइस में आप बनाना खा सकते हैं। जो हमारी ये वीडियो बनी है इसका जो मेन टाइटल था वो ये था कि मरने से पहले बीपी कितना होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी पेशेंट का बीपी 140 है, 150 है, वो अचानक 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर वो 90 के आसपास आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये एक डेंजर सिचुएशन है, अप्रोच टू डेथ है। कई पेशेंट का बीपी नॉर्मली 95, 60 यहाँ तक पेशेंट सरवाइव करता है, वो एक अलग मैटर है। ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि किसी पेशेंट का अगर 150 के आसपास बीपी हो, अचानक डाउन आ जाता है, तो इट मीन्स कि वो अप्रोच टू डेथ है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद।